साढ़े तीन बरस में आपने इमरान खान की हुकूमत को चलता तो कर दिया, लेकिन अगर उसका एक मंसूबा ही कामयाब हो जाता तो वो पाकिस्तान को $4.5 अरब की बचत दे सकता था। वो कैसे? पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शामिल है जो खुर्दनी तेल यानी खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल होने वाला तेल बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करता है। इमरान खान ने हुकूमत में आते ही सबसे पहले इस इम्पोर्ट बिल को कम करने की कोशिश की और इस सिलसिले में पाकिस्तान में जैतून का पौधा लगाने और इसकी अच्छी काश्त हासिल करने के हवाले से प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसे एडिबल यानी खाने पीने वाले ऑयल में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर पाकिस्तान की उस वक्त यानी 2018 से 2022 की इमरान खान की हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने दिया जाता और हुकूमत चलती रहती तो पूरे पाकिस्तान में जैतून की ऐसी काश्त होती कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान अपने इम्पोर्ट बिल में से $4.5 अरब की बड़ी खतीर रकम को कम कर सकता था। ना सिर्फ ये बल्कि ये तक रिपोर्ट होना शुरू हो चुका था कि अगर पाकिस्तान अपनी खाने की ज़रूरियात को पूरा कर लेता तो इसके बाद ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन से पाकिस्तान ज़र्रे मुबादला भी कमा सकता था, यानी जैतून के तेल को बैरून ममालिक बेचा जाता और इससे पाकिस्तान में मजीद डॉलर आते। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी IPS इस्लामाबाद की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट खास तौर पर पाकिस्तान में जैतून की काश्त के हवाले से है। इस रिपोर्ट में ये वाजे किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जैतून की काश्त का साजगार और बेहतरीन मौसम भी मौजूद है और ज़मीन भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जैतून की काश्त की जा सकती थी। जैतून की काश्त के हवाले से तारीख, तजर्बा और इम्कानात नामी इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 85 मिलियन जैतून के दरख्त लगाए जा सकते थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान खतीर ज़र मुबादला भी कमा सकता था और अपना इम्पोर्ट बिल कम करते हुए पाकिस्तान में सस्ता जैतून का तेल मौजूद होता। अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर किन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर जैतून की काश्त की जा सकती है तो इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, शहरों और पूरे चारों सूबों के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू करवा दी थी। लेकिन वो इलाके जो इस हवाले से सबसे ज़्यादा साजगार पाए गए, सिंध, बलूचिस्तान, KP और पंजाब, चारों सूबों के ये इलाके शामिल थे जिसमें 5.5 मिलियन से ज़्यादा जैतून के बीज इन सूबाई हुकूमतों को पहुँचाए गए, जो 50,000 एकड़ के खतीर रकबे के ऊपर जैतून की काश्त करने के लिए तैयार थे, जबकि 20 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए भी जा चुके थे जो अगले साल अपनी प्रोडक्शन देकर इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमत को तसलसल ना मिल सका और इसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत को रुखसत कर दिया गया। बसूरत दीगर हम आज अपने इस्तेमाल का 75% एडिबल यानी खुर्दनी ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते और पाकिस्तान के खजाने को $4.5 अरब का फायदा